हेलो फ्रेंड, तो वेलकम वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है, मतलब रात हो गया है, 5:30 से हो 5 हो रहा है, शायद 5:30 ही का टाइम। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ खाना, रात की डिनर। तो मैं यहाँ पे मैंने चावल का आटा लिया है, और चावल के आटा में मैंने गर्म पानी करके और गर्म पानी मतलब डाल के और मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने गरम पानी में थोड़ा सा नमक और हल्दी मिला दिया है। तो नमक और हल्दी मिला के इसको मतलब मिक्स करके उसको छोड़ देंगे, मिक्स कर देंगे, ताकि जो चावल का जो आटा है ना, वो मतलब अच्छे से मतलब फूल जाएगा उसमें। अगर अपन गर्म पानी से मतलब सानते हैं ना आटा को, गूंथते हैं, तो अच्छा सॉफ्ट बनता है। पूरी बनाओ या रोटी बनाओ, कुछ भी बनाओ इसका, तो अच्छा से सॉफ्ट बनता है, नहीं तो टाइट बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे हल्दी और नमक, थोड़ा सा ही 1 गिलास पानी लिए होंगे, जितना आटा रहता है उसी हिसाब से 1 गिलास पानी में आप नमक हल्दी या ये उबाल के और उसके बाद आटा मतलब गूंथ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया है। मैं बना रही हूँ आज नमकीन, ये चावल का आटा है, तो चावल का आटा में मैंने ये क्या बोलते हैं, हल्दी और नमक मिला के मैंने रख दिया है। मेरे सास ससुर को क्या बताएं, मेरे सास ससुर को यही मतलब अच्छा लगता है, तो मैं बनाती हूँ। बहुत अच्छा रेसिपी है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है खाने में। आप लोग पूरी रेसिपी जरूर देखिएगा, ठीक है? इसे टाइम भी लेट हो गया है, इसमें बहुत टाइम लगता है। देखिए क्या सब मैं तैयारी करती हूँ। आवाज सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है पता नहीं। मैं अब इसको ना मैं इस तरह से पहले रखती हूँ, ये देखिए ये आटा है ना, मैं इसको इस तरह से हाथ से मतलब प्रेस करके इस तरह से दबा के इस तरह से दबा देंगे, और इसको ना इसको दबा के इस तरह से मतलब ढक के रख देंगे। ये देखिए मैं ढक के रख दी हूँ, इसको छोड़ छोड़ देंगे 10-15 मिनट के। 10-15 मिनट जब तक ये होगा तब तक मैं आगे के काम कर लेती हूँ, तो आप लोग साथ भी शेयर करूंगी। और यहाँ पे मैंने आलू रखा है, तो मैं आलू को भी छील लेती हूँ। आलू को छील के दम मिलती हूँ, शायद आवाज नहीं जाता होगा, आवाज नहीं जाता होगा इतना दूर। और यहाँ पे आलू उबालने मतलब छीलने के बाद मैंने आटा वहाँ उधर रख दिया है, तो यहाँ पे मैं आलू को फ्राई कर रही हूँ उसमें देने के लिए आटा में। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जीरा और प्याज लहसुन ये सब लिया है, और उसमें मैं हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारा मसाला मतलब थोड़ा सा फ्रम भून करके उसमें आलू जो उबाल के रखे थे उसको आलू को मैश करके और इसमें डाल देंगे। धनिया पत्ता, नमक, ये सब डाल के मिक्स करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, तुरंत बन जाता है। अब यहाँ मैंने ये सब करके ये मैंने निकाल लिया है, भून चुका है मेरा आलू। हाँ बेटा, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू बेटा। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे आयुष आ गया, तो उसी से मैं बात कर रही हूँ अभी। और यहाँ पे मैंने जब वीडियो भी भाग गया कहाँ पर थे, तो आलू को मैंने हटा लिया है भून करके, और उसके बाद मैंने यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ। तो सब्जी सोयाबीन के मैंने शायद भूना था, सोयाबीन को भून करके उसके बाद मैंने यहाँ पे जो सब्जी में जो देते हैं सारा फ़ौरन मतलब मिर्चा प्याज और ये सब करके, और उसके बाद मैंने सारा मसाला हल्दी नमक मतलब हल्दी मिर्ची और धनिया सभी मसालों को पानी में घोल लिया था। और घोल के उसके बाद मैंने भुना, उसके बाद मैंने ये गोभी को फ्राई करके पहले ही रख लिया था, उसको मैंने नई वीडियो बनाई, नहीं तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता, या ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग नहीं पूरा वीडियो देखते हैं, इसलिए मैंने स्पीड भी कर दिया है यहाँ पर वीडियो को। और सोयाबीन भी इसमें डाल देंगे, ये सब्जी बन गया। मतलब मेरे घर में बिना सब्जी के मतलब ये सब नहीं खाते हैं, चाहे मतलब उसके अंदर में कुछ भी डाल के बनाओ, लेकिन सब्जी चाहिए ही सबको, इसलिए थोड़ा सा सब्जी बनाना ही पड़ा। और यहाँ पे मैंने चावल का आटा को भी मैंने गूंथ लिया था। तो मैं वो जो आलू का जो मसाला रखे थे,
यहाँ पे मैंने आलू का जो मसाला बनाए थे उसी मसालों को मैं इसमें थोड़ा सा लोई लूँगी, जैसे रोटी का लोई लेते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा, और उसमें जो आलू का मसाला था वो मैं भरूँगी। आप भर के और मैं इस पन्नी पे, ये रिफाइंड का पन्नी है, आप कोई सा भी पन्नी ले सकते हैं। मैंने ये रिफाइंड नया पैकेट मतलब का फाड़ा है आज ही, तो मेरे पास वही पन्नी था तो मैंने उसी को इस्तेमाल कर रही हूँ। उसी पे मैं थोड़ा सा तेल लगा के ऑयल, और उसके बाद मैं इसको मतलब बना लूँगी पूरी रोटी, पूरी ही बोलते हैं पूरी। तो ये मैंने ये वाला मसाला वाला बनाया है, और ये मैं बना रही हूँ सिंपल, सिर्फ सिंपल, इसमें कुछ नहीं डालेंगे। सीधा रोटी की तरह लोई लेंगे और इसको पूरी की तरह मटर ठोक देंगे, या इसको निमकिन बोलते हैं, हर जगह हर तरह के बोलते हैं। तो ये मतलब सादा हो गया सिंपल, और वो हो गया मसाला वाला आलू पूरी। और यहाँ पे ये देखिए मैं बना रही हूँ, ये सिंपल वाला है, तो मेरा इतना बन चुका है। उधर आटा भी मैंने रखा हुआ, और ये सारा कुछ बना के उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ। क्या समझिए आप लोग क्या बना रही हूँ मैं? तो यहाँ पे बना रही हूँ रोटी, मतलब रोटी नहीं टिक्की बोल सकते हैं, टिक्की। तो ये टिक्की क्या चीज़ का है? तो ये है मरुआ का, मरुआ जानते हैं, तो ये मरुआ का टिक्की है। तो मैं यहाँ पे मरुआ के मैं छोटा छोटा ही सात वो बनाऊंगी रोटी, तो सात वो रोटी बनाऊंगी छोटा छोटा ही। ये देखिए चार इसमें है और तीन बना के रखी हूँ मैं साइड में, तो ये सात बनेगा। और ये सामा मतलब भसान जो होता है, सामा गांव में मिट्टी का जो बनता है उसी का आज मतलब पूर्णिमा है, तो आज भसान है, तो उसी के साथ मतलब ये लिट्टी और गुड़ मतलब मिट्टी के अंदर मिट्टी को चढ़ाएंगे, गुड़ और ये रोटी चढ़ाएंगे केला के पात पे जहाँ पे सामा भसता है वहाँ पे। इसलिए यहाँ पे आई उसको देखिए और यहाँ पे मतलब ये जो सामा जो होता है, सामा को मतलब फाड़ा भरा जाता है हम लोग के गांव में, तो यहाँ पे आयुष ये नहीं भरवा रहा है, वो भाग रहा है, इसको मतलब डर लग रहा है, थोड़ा ये नाटक भी कर रहा है, थोड़ा मस्ती भी कर रहा है, इसी में इसका चल रहा है। तो यहाँ ये दोनों लड़की है, ये दोनों लड़की मतलब बहन लगेगी इस रिश्ते में, बगल मेरी पड़ोसी है, पड़ोसी नहीं है मतलब मेरे सास की ही कोई लगेगी, भतीजी या कुछ लगेगी, तो उसी का लड़की सब है। तो उसको दे रहा है, तो इसमें चूड़ा और ये भुसबा और गुड़ और कोई मिठाई उठाई भी रहता है, तो उसी से मतलब भरा जाता है, तो वही आयुष मतलब भरवा रहा है। तो ये तौलिया में मतलब जो कंधे पर मतलब कुछ रुमाल या कुछ तौलिया उलिया लेके उसके बाद उसमें मतलब डालते हैं। तो ये बच्चा है तो मैंने इसको ऐसे ही पकड़वा के मतलब रखवा दिया है। और ये देखिए मिट्टी का जो मूर्ति है, मिट्टी का जो मूर्ति है वो मतलब छू नहीं छू रहा है, उसको डर लग रहा है, उसको तोड़ना होता है मिट्टी का जो मूर्ति होता है सामा, इसको सामा बोलते हैं, तो इसको तोड़ना होता है, तो वो छू भी नहीं रहा है, तो बस ऐसे ही इसको ये कि पैर में लगा के और छोड़ देंगे। ये देखो ऐसे ऐसे भिराते बेटा, भिराएगा इसको, तोड़ दो इसको, इसको तोड़ दो, नहीं तोड़ता, इसको तोड़ दो, लो बाल काटे, इसको तोड़ दो, नहीं पानी थाला थाल को पानी लिया लिया ना। ये यहाँ पे ये पैसा नहीं दे रहा, कितना है, चार, कितना पैसा है, तीन। अच्छा अब ले दो उसको, उसको हो गया, आपको भी जाना है, चल चल पूजा देखे, चल ये सब लड़की के और के साथ चल गया वो खेलने के लिए। और उसके बाद ये मतलब गाना उना होता है, गाना उना होने के बाद उसके बाद खेला जाता है, और ये अंतिम है, लास्ट दिन है, तो भसान है। तो यहाँ पे देखे यहाँ पे ये भसान हो रहा है मतलब मिट्टी के अंदर में मतलब गारेगी सब। यहाँ पे मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए वो जो लिट्टी जो बना हुआ था वो जो यहाँ पे चढ़ाए हैं मिट्टी का जो मूर्ति ये सब रहता है वही सब यहाँ पे सारा मतलब उसको मतलब गाड़ देंगे मिट्टी के अंदर में सब गाड़ देंगे। और यहाँ पे सब बच्चा सब छुरी जरा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही कोई ऐसे ये तो है और मनाया जाता है। तो मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में।